राजधानी देहरादून में उत्तराखंड एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बता दें कि एसटीएफ द्वारा चंपावत से एक वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से दो लेपर्ड की स्किन भी बरामद की गई। पिछले दिनों भी एसटीएफ के द्वारा ही हाथी दांत तस्कर को भी पकड़कर जेल भेज किया गया। इसके तहत ही एसटीएफ के वरिष्ठ अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि उनको लगातार सूचना मिल रही थी कि नेपाल बॉर्डर के आसपास वन्य जीव तस्कर सक्रिय है। इस पर सूचना के आधार पर उन्होंने एक तस्कर गिरफ्तार किया। इसके आगे उन्होंने बताया कि वन्य जीव तस्कर पर वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी की जा रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तराखंड जो है ये एक वन आच्छादित प्रदेश है और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में वन संपदा भी रहती है और इसीलिए इसमें कुछ खतरे भी रहते हैं कि जो वन्यजीव तस्कर हैं वो भी यहाँ पर सक्रिय ऊनापुर में भी पाए गए हैं। तो इसलिए जो हमारी एसटीएफ की टीम है वो लगातार इस चीज़ पर नज़र रखती है कि किसी प्रकार का वाइल्ड लाइफ ट्रेड यहाँ पर ना हो। पिछले हफ्ते भी हमने दो हाथी दांत के साथ में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया था और इसमें लगातार हमारी टीम आगे भी लगी हुई थी और उसी क्रम में चंपावत से हमने एक वन्यजीव तस्कर को पकड़ा है और उसके कब्जे से दो गुलदार की खाल बरामद हुई हैं और ये कहीं ना कहीं बेचने की फिराक में था और बेचने के लिए लेकर जा रहा था तो उसके द्वारा हमारे द्वारा इसको पकड़ा गया है और इसमें देवीतुरा जो फॉरेस्ट रेंज है वहाँ पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके शेड्यूल वन में टाइक लेपर्ड आता है तो ये प्रोहिबिटेड स्पीशीज़ है। इसका किसी प्रकार का शिकार करना या इसके स्किन या अन्य पार्ट्स को बेचना पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है तो इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया है वाइल्ड लाइफ एक्ट में। साथ ही इससे जानकारी की जा रही है, इंटरोगेशन की जा रही है कि कहाँ से लेकर आ रहा था, कब इसका शिकार किया गया था, किसने शिकार किया था, तो इन सभी पहलुओं पर अभी पूछताछ की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अन्य लोगों के नाम सामने आएंगे तो उन पर भी आवश्यक आएंगे।